तीसरा लेक्चर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इस टॉपिक पे। ओके, इससे पहले हम लोगों ने देखा है अच्छे से रिफ्रैक्शन होता क्या है, उसका मैकेनिज्म कैसा होता है, उसके डेफिनेशंस क्या है ना, अच्छी तरह से। फिर से उसके डेफिनेशन को एक बार स्टार्ट कर देंगे, मिस आपको ट्रैक पाने में हेल्प हो जाएगी। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम देन इट्स बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट्स बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब वहाँ पे एक अच्छा सा वर्ड यूज किया होगा शायद, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकल रेयर मीडियम टू ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ओके, देन इट बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल। इफ द पाथ ऑफ दैट रे इज रिवर्स, मीन्स व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, देन वी सी द डेविएशन इज डिफरेंट देन द फर्स्ट टाइम। एट दिस टाइम रिफ्रैक्टेड रे गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, तो ये चीज़ें हमने हल्के हल्के से देखी है, चीज़ों को आसान करते हुए फिर से देखेंगे कि आज जो टॉपिक है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, आपने देखा होगा ना रात में जो स्टार्स होते हैं, ओके, जनरली रात में ही दिखाई देते हैं ना स्टार, वाई, बिकॉज ऑफ उनका ब्राइटनेस बहुत कम, कंपैरेटिवली सन और मून के इसमें कंपैरिजन में देखें तो बहुत कम है, इस वजह से उनका जो ट्विंकलिंग है वो हम दिन में देख नहीं पाते। इट डजेंट मीन देर इज़ नो स्टार इन द स्काई एट डे टाइम, ऐसा नहीं है कि दिन में स्टार होते ही नहीं है। यस, डेफिनेटली वहाँ पे भी स्टार होते हैं, लेकिन वो होगा क्या कि घने अंधेरे में आप किसी जुगनू को लेके कोशिश करोगे कि यहाँ पे ब्राइटनेस आ जाए तो पॉसिबल नहीं है ना। वैसा ही है, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है उनका जो ब्राइटनेस है कंपैरेटिवली सन के कंपैरिजन में बहुत कम है, इस वजह से दिन में हम उन्हें देख नहीं पाते। ओके, लेकिन रात में जब देख पाते हैं तो फिर कॉन्स्टेंट क्यों नहीं देख पाते, जैसे कि ऐसे कभी जल रहा है कभी बुझ रहा है, मीन्स उसका ब्राइटनेस कम ज़्यादा वो क्यों होता है। तो हमारी बुक की अगर माने तो उन्होंने कहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक चेंजेस, लेकिन इसके पीछे और एक अच्छा सा रीज़न है, वो ये है कि उनका जो ब्राइटनेस है, उनका ब्राइटनेस, उनकी जो लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी है वो कंपैरेटिवली सन के बहुत कम है, और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से होता क्या है उनका ब्राइटनेस हम तक पहुंचता नहीं है, लेकिन हम फील कर पाते हैं कि वो इल्यूमिनेट है, लाइट इमिट कर रहे, इतना हम उनको फील कर पाते हैं, लेकिन उनके ब्राइटनेस से हम पढ़ नहीं पाते या कोई चीज़ें देख नहीं पाते जैसे कि हम सन के और मून के लाइट में देख पाते हैं। आर यू गेटिंग मी? ओके, सो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एज पर द बुक विल गो थ्रू द पॉइंट्स, दैट इज व्हाट, हैव यू सीन अ मिरेज विच इज इल्यूजन ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर ऑन अ रोड और इन अ डेजर्ट, हैव यू सीन दैट ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एंड अबव अ होली फायर अपीयर टू बी शेकिंग, Why does this happen? तो दो चीज़ें उन्होंने बोली है कि आप लोगों ने देखा होगा जब समर में आप किसी रोड पे वॉक कर रहे हो या आप किसी व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हो समर सीजन में, तो रोड पे सामने कुछ दूर आपके आपको ऐसे फील होता होगा कि कहीं पे पानी गिरा हुआ है रोड पे, कभी फील किया है ऐसा होता है या ना, कभी देखे हो? नहीं, समर में आप अगर किसी रोड पे वॉकिंग कर रहे हो तो आपको ऐसे लगेगा कि आपने आपके सामने 100 फीट या 150 फीट के आगे आपको ऐसे लगेगा कि रोड पे पानी गिरा हुआ है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद आप रियलाइज़ करते हो तो पानी नहीं होता है, तो फिर वो क्या है? यस, वो क्या है? मिरेज है। वो क्या है? मिरेज। इसको मराठी एक वर्ड भी बोला था ना मैं उस दिन, नहीं याद आपको? मृगजल। क्या है? मृगजल। इसको मृगजल मराठी में क्यों बोलते हैं? क्योंकि हिरण जब धूप में पानी पानी करता है उसे बहुत प्यास लग जाती है और हिरण पानी ढूंढता है। तो आप देखते होंगे समर में आप किसी पेड़ के नीचे बैठे हो ना तो सामने आपको ऐसे आग लगी हुई दिखाई देती है, ऐसे नहीं क्या आग के आजू बाजू नहीं कैसे वो वाइब्रेशंस होते हैं। ओके, इन मराठी देयर इज ऑल्सो वर्ड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली, झड़ाया, लाइक दैट। ओके, so it's look like a water, it's look like a water but it exactly not a water, so it is what, it is a mirage, mirage is nothing but a illusion, illusion means what, drushti bhram,
होता नहीं है लेकिन दिखता है. इट मीन्स वॉट? भ्रम ना, इल्यूजन. इल्यूजन मीन्स वॉट? यस, डू यू नो वॉट डू मीन बाय भ्रम? ओके, सो भ्रम मीन्स वॉट? इल्यूजन. जस्ट सिमिलरली द मिरेज इज ऑल्सो अ काइंड अ स्पेशल काइंड ऑफ इल्यूजन विच इज अकर ड्यू टू द वेरी वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड ड्यू टू द ब्लैकिश कलर ऑफ दैट रोड द नंबर ऑफ लाइट रेज आर इंसिडेंट ओवर द रोड एंड दे गेट डिफ्रैक्ट. दे गेट डिफ्रैक्ट, सो दैट्स वाई दे आर वेरी हॉट एयर विच क्लोज टू दैट रोड सर्फेस एंड दैट्स वाई इट्स लुक लाइक अ वॉटर एंड दैट इज नोन एज मिरेज. ओके, सेकेंड इज वॉट? यस, सेकेंड इज वॉट? आपने कभी कोई होली तो देखी होगी. समर का स्टार्ट ही होली से होता है. जब होली को जलाते हैं तो होली के उस पार अगर कोई खड़ा है बंदा, ओके, आप उसे अगर होली के वो फ्लेम के अंदर से देखोगे, फ्लेम चल रहा है और उस पोजीशन पे या उस साइड से कोई बंदा खड़ा है, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि वो हिल रहा है. एक्चुअली बंदा हिलता है क्या? नहीं. तो उसका जो बॉडी का शेकिंग है वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ इल्यूजन ही है. क्या है? इल्यूजन. वहाँ पे क्या होता है, एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है. एयर का अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो मीन्स वॉट? उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा. डेंसिटी बढ़ जाएगा मीन्स वॉट? इनडायरेक्टली उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा. बराबर. कभी भी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट का स्पीड क्यों कम होता है? यस, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना. हाँ ना, हमने लास्ट टाइम देखे थे क्या? नहीं, मुझे बोलो श्री बाबा, एक बार याद दिला दो. ये कौन सा मीडियम है? डेंसर. और ये जो फ्री स्पेस वाला है ये कौन सा मीडियम है? ओके, इसका नाम? ओके, ये एमएन, इसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल लाइन. ये इंटरफेरेंस है. क्या है? इंटरफेरेंस. इन दोनों को सेपरेट करने वाली लाइन. क्लियर? अब जब लाइट रे ट्रैवल करेगा ऑप्टिकल रेयर टू डेंसर, ओके, हमें पता है कि एयर में लाइट का स्पीड कितना है? कितना है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. कितना है? नहीं लिखे हो? फिर चेक कर रहे हो? मुझे याद है नहीं. द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज वॉट? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब डेफिनेटली इससे कुछ अलग ही होगा ना यहाँ पे. क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है. लाइट का स्पीड डिपेंड करता है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर. किस पर? उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर. अगर अब ये कांच है तो उसका डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. हमारे पास टेबल है. अगर वाटर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है या नहीं? टेबल देखो आप, आपके बुक में टेबल है. उस टेबल में अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं मटेरियल के. पेज नंबर 75 है क्या? एयर, आइस, वाटर, अल्कोहल, केरोसिन. ओके, ये क्या है? मैटर्स है, पार्टिकल्स है, और उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिस्पेक्टिवली दिए हैं ना. उनको अगर देखोगे तो ये दो एयर और डेंसर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. इस वजह से इसका जो ओरिजिनल पाथ है वो ओरिजिनल पाथ में नहीं ट्रैवल करता, वो डेविएट हो जाता है. क्लियर? क्यों होता है वो? जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट वॉट? ये क्या है? म्यू वन, म्यू टू. कितने जल्दी भूल जाते रहे आप? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, दैट इज डिनोटिंग बाय यूजिंग म्यू वन, एंड दिस इज वॉट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, एंड विच इज डिनोट बाय यूजिंग म्यू टू. क्लियर? हाँ या ना? आपका रिस्पॉन्स से पुअर क्यों है आज? भूल गए हो क्या जो चल रहा था वो? या समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं तो? हाँ या ना? ओके, क्या बोले? नहीं बोलो ना, बोलो, कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं. जो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है वही तो क्लियर करने के लिए मुझे बुलाया ना यहाँ पे. ये स्टैंडर्ड चीजें हैं, इसको लर्न करना है, इसको सीखना नहीं है.
yes, हाँ ये स्टैंडर्ड चीजें हैं, इनको कैसे पढ़ा? अब H2O, ये पानी में H2O ही क्यों है, कैसे बोलोगे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो एक साथ मिल गया तो H2O बनना है ना। अब आप ऐसे बोलोगे क्या, कोई अगर ड्रेनेज का वाटर है तो वो H2O नहीं है, या पीने का वाटर है तो वो H2O ही है? वाटर तो वाटर होता है, वो अलग बात है कि उसमें फिर बहुत सारे केमिकल्स मिक्स हो जाएंगे, उसका केमिकल फार्मूला चेंज हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वाटर बोला तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे आएगा? H2O। उसको डिफाइन करोगे क्या? नहीं, वो स्टैंडर्ड चीज़ है ना। पाई का वैल्यू इंडिया में कितना है? 3.14। अब्रॉड चले जाओगे, यूरोप चले जाओगे तो कितना हो जाएगा उसका वैल्यू? पाई पता है? पाई ये इसका वैल्यू इंडिया में कितना है? 3.14। अमेरिका जाओगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू इसका? 3.14। यूरोप जाओगे तो 3.14। स्पेस में चले जाओगे मंगल ग्रह पे, पाई का वैल्यू कितना रहेगा? 3.14। स्टैंडर्ड है, नहीं बदलेगा। चीजें जो प्लेस टाइम के हिसाब से नहीं चेंज होती वो चीजें होती है स्टैंडर्ड। क्या होती है? स्टैंडर्ड। क्लियर? ओके। सेकेंड उन्होंने जो दिया है हमें एग्जाम्पल, वो क्या दिया है? द लाइट रे कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपीयर टू कमिंग फ्रॉम द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द ग्राउंड एज शोन इन द गिवन डायग्राम। आपने कभी समर में किसी तालाब के पास रह के देखा है? समर सीजन में, चलो छोड़ो तालाब तो छोड़ो, आप अगर समर में किसी नदी के नज़दीक से भी गुजर जाओगे तो कुछ महसूस होता है आपको? दिन में अगर किसी बहुत बड़े वाटर रिसोर्स के पास से गुजर जाओगे दिन में, कब? दिन में, तो आपको ठंडा महसूस होगा। कैसा महसूस होगा? ठंडा। वही अगर आप रात में किसी वाटर के बड़े से रिसोर्स के बाजू से गुजरोगे तो रात में आपको थोड़ा हॉट महसूस होगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अब दिन में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कैसा होता है? हॉट होता है समर में, ओके। लेकिन वही हॉट एयर जब उस पानी के सरफेस को छू के आएगी तो क्या होगा? कूलर क्या करता है समर में? हम जो कूलर यूज करते हैं वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर से हवा कलेक्ट करता है ना, जिस उस हवा का टेम्परेचर क्या होता है? बहुत हाई। लेकिन जैसे ही वो कूलर से बाहर निकलेगा तो हमने क्या किया है? हर तरफ से पानी की बौछार की है, बराबर। हवा जैसे अंदर आएगी कूलर के, कैसी होके आएगी? ठंडी। टेम्परेचर कम हो जाएगा ना उसका, वही फैन आगे फेंकेगा। फिर समर में कोई बड़ा सा लेक है, डैम है, वाटर रिजर्वायर है, ये क्या होगा? उसके सरफेस से जैसे ही हवा छू के आएगी तो हवा ठंडी हो जाएगी। ये दिन का हो गया। अब रात में वो गर्म क्यों है? क्योंकि दिन भर की जो गर्मी है वो धरती ने खुद एब्जॉर्ब करके रखी है, वो वाटर को देगी। वाटर का सरफेस कैसे होगा? गर्म हो जाएगा, हाँ या ना? मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, होता ही है। अब उस गर्म सरफेस को अगर हवा छू के आएगी तो हवा क्या होगी? गर्म ही होगी। वो जिस ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में जाके आएगी वैसे बिहेव करेगी ना हवा, समझ में आ रहा है? तो इस वजह से आप फील करोगे और ऑब्जर्व कर पाओगे, अगर समर में आप दिन में किसी वाटर रिसोर्स के नज़दीक जाते हो तो वहाँ की हवा आपको ठंडी ठंडी लगेगी, और रात में अगर जाओगे तो आपको हवा गर्म लगेगी। जैसे कि आप सबके घर में बोर है, ओके, अभी विंटर आने ही वाला है। जैसे ही विंटर सीजन अच्छे से लग जाए, मीन्स आप स्वेटर पहनने लग जाओ, सब एकदम कान बिन पैक करने लग जाओ, उस वक्त सवेरे सवेरे बोर को स्टार्ट करो। क्या करो? आपके बोर को स्टार्ट करो और वो पानी को किसी बर्तन में लेके देखो, उसमें से स्टीम बाहर आएगी। क्या बाहर आएगी? स्टीम। जैसे कि आप गैस पे रखते हो, कुछ देर बाद स्टीम आने लग जाती है ना, तो बोर से निकालते ही आपको स्टीम दिखाई देगी। फिर वहाँ पे हीटर है, गीजर है बोर में, पानी कहाँ से गर्म हुआ? वही जो दिन भर सूरज ने गर्मी दी, धरती ने वो सोख ली, बराबर। और रात भर जब वो गर्मी ट्रांसफर हुई तो वाटर भी गर्म हो गया। जब बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? वो वेपराइज होगा ना, हाँ या ना? ये चीज़ें आपने कभी फील नहीं की, देखा नहीं? समर में आप किसी नदी के पास भी जाओगे, किसी तालाब के पास भी जाओगे तो आपको दिन में ठंडा लगेगा, रात में गर्म। अगर वैसा ही विंटर में जाओगे तो सवेरे सवेरे अगर चले गए वहाँ पे तो ऐसे एकदम स्टीम बाहर निकलेगी वो लेक से या वो रिजर्वायर से।
क्यों? क्योंकि दिन भर की गर्मी धरती ने सोख के रखी थी, रात में पानी को ट्रांसफर करके दी, फिर पानी का टेम्परेचर बढ़ गया, और जैसे ही हमें पता है पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो ऊपर आ जाता है, सो ऊपर का लेयर पूरा गर्म होता है, बराबर, वो स्टीमिंग करेगा, क्लियर? ओके, सब लोग आप क्या करो, ऐसा आपका खुद का पेन होल्ड करो सामने, किया इससे पहले कभी, इससे पहले किया है? देखो ऐसे आपके पेन को देखो, अब एक आंख बंद करो एक हाथ से, ओके किए? अब उस पेन का बैकग्राउंड, आपको जो पेन के बाद यहां पे जो दिखाई दे रहा है उसको फिक्स कर लो, वही दिखने वाला है क्या, ओके? अब वो आंख छोड़ दो और दूसरी बंद करो, पेन का बैकग्राउंड चेंज हो गया, पहले यहां था बाद में ऐसे इधर चला गया या इधर चले गया, ऐसा हुआ? आपने पेन को बदला, पेन को हिलाया ऐसे, फिर उसकी पोजीशन क्यों चेंज हो गई? हाथ नीचे करो, यस, कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रहा है लेकिन ऐसा? इधर से ये हो क्यों रहा है ऐसे? तो ये है अपीयरेंस, क्या है? अपीयरेंस। ये मेथड आपको आगे जाके सीखना है 10th या फिर 11th में, जो डिस्टेंस है यहाँ से सन का या मून का, ये गिनने के लिए ये मेथड यूज होती है। इस मेथड का नाम है पैरालेक्स मेथड। कौन से मेथड? पैरालेक्स मेथड। ओके, चलो यहाँ पे देखेंगे। इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैन बी सीन इन द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार। स्टार आर सेल्फ ल्यूमिनस एंड कैन बी सीन एट नाइट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। स्टार हम कब देख पाते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। और सनलाइट का एब्सेंस कब होता है? नाइट में ही होता है, अदरवाइज नहीं। ओके, द नेक्स्ट इज वॉट, दे अपियर्स टू बी पॉइंट सोर्स बिकॉज ऑफ देयर बींग एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अस। एज द डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीज विथ लोअरिंग हाइट above the surface of the earth, the refractive index also increases. Star light comes towards us, travel from rare medium to denser medium and constantly bends toward the normal. This makes the star appear to higher in the sky as compared to its actual position. इस वजह से होता क्या है कि जो एक्चुअल पोजीशन है उससे थोड़ा दूर दिखाई देता है। जैसे कि मैं आपको बोला था कि आप किसी ग्लास में पानी भर लो, फिर उसमें आपका एक पेंसिल डाल दो या फिर आपकी खुद की उंगली ऐसे डुबा दो पानी में, तो होगा क्या, जहाँ से वाटर स्टार्ट होता है वहाँ पे आपको आपका बेंड या वो पेंसिल जो कुछ भी है वो कैसा दिखाई देगा? यस, सब बेंड हुआ दिखाई देगा ना, हाँ या ना? देखे हो कभी ऐसा करके? नहीं देखे हो तो घर जाके करो। कोई ग्लास का से कांच का बना हुआ एक ग्लास लो, उसमें पूरा पानी भर दो, ओके, फिर आपकी पेंसिल लो, पेंसिल को इसमें छोड़ दो, तो ये ऐसी पेंसिल है मानो, तो यहाँ पे जहाँ से वाटर का सरफेस स्टार्ट होगा ना, यहाँ पे आपको आपकी पेंसिल यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे थोड़ा ऐसा बेंड हुआ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? बेंड हुआ दिखाई देगा। या फिर आप आपकी उंगली भी डाल के देखोगे तो भी वो बेंड हुई दिखेगी। क्यों? एक्चुअल में बेंड होती है क्या उंगली? नहीं। फिर क्या होता है कि ये ऊपर जो है वाटर के सरफेस से ऊपर, यहां पे क्या है? एयर, और यहां पे क्या है? डेंसर। इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने की वजह से क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव लाइट्स बेंड हो गए ना, हाँ या ना? बेंड होगी। इस वजह से जो एक्चुअल पोजिशन है, जो एक्चुअल शेप और साइज है उंगली का या उस पेंसिल का, वो नहीं दिखाई देता। जो अपीयरेंस आता है डिफरेंट, वो जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? डिफरेंट व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। जो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर, ग्लास और उंगली, इन चीजों का। उंगली का नहीं होता, हाँ बोल रहा, सिर्फ ग्लास, वाटर एंड एयर। यहाँ पे क्या क्या है? कांच है, कांच के अंदर पानी है और ऊपर से क्या है? हवा। तो इन चीजों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने की वजह से वो वैसे दिखाई दे रहा है, ओके। और ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये पैरालेक्स है। यहां पे ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज हो रही है। किसकी?
ऑब्जर्वर की पोजीशन। अब ये दोनों आंखों के बीच अगर नाक की डंडी ना होती, दोनों आंख एक साथ ही हो जाती यहां पे, तो क्या होता? वो अपीयरेंस नहीं देख पाते हम, जो वो डिफरेंस आ रहा है वो देख पाते क्या? नहीं। समझ में आया? अगर दोनों ऐसे हेडलाइट हमारे यहां पे ऐसे नजदीक होते तो नहीं देख पाते हम, लेकिन इनका पोजीशन अलग अलग होने की वजह से जो अपीयरेंस है अलग अलग है। समझ में आया? आप करके देखो, प्रैक्टिकली आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वही बोला है उसने यहां पे, अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। ओके, लीव इट। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करना है हमें, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। पढ़े हो उससे रिलेटेड कुछ? बोला था ना मैंने, कितने कलर होते हैं लाइट्स के? 7। कौन से अब मान लो थोड़ी देर के लिए, एक थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे कितने लोग आते हैं आपको पढ़ाने के लिए? अलग अलग सब मिला के कितने होते हैं? यस, 6 लोग। ओके, अब ये 6 के 6 एक साथ अगर आ गए यहाँ पे क्लास में और सब ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया एक साथ, किसका सुन पाओगे आप? हाँ, क्यों? जब आप किसी का नहीं सुन पाओगे तो क्या मैं रजनीकांत हूं एट अ टाइम सबके सब मेरे को आंसर दे रहे? तो पूछा मैंने किसी को, एक को, आप बोल रहे सब। कितने कलर होते हैं? कितने कलर होते हैं रेनबो में? 7। कौन से खड़े रह के थोड़े ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। रेड, ऑरेंज, ग्रीन, हेलो, ब्लू, इंडिगो, सोशल वर्क, इंडिगो, हाँ, हाँ, वॉलेट, बराबर। ओके, सिट डाउन। इसको कैसे याद रखोगे? बोला था कुछ मैंने लास्ट टाइम? विब, जॉर, गौर, जिसे पढ़ना है पढ़ो। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये उनका सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस भी याद रखना होता है, सिर्फ नंबर ऑफ कलर नहीं, इनका सीक्वेंस ऐसे याद रखना है। बराबर, आपने रिवर्स ऑर्डर में बोला और एक जगह गलती कर गए। कहाँ पे? कर गए ना गलती? हाँ, वही ना, तो उसको ऐसे याद रखना है। ये वर्ड ऐसे अगर लर्न करके रखे परमानेंटली तो याद रह जाएगा। जैसे कि आप 10th में हो ना, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो 9th में या इस साल है? 9th में था ना ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स आपका फेवरेट, पढ़े हो तो वो उसके लिए हम क्या करते हैं? यस, चला बहुत आसान तरीके है उसको याद रखने के। मुझे मैथ नहीं पढ़ाना है आपको, लेकिन जैसे कि वो बेसिक बता देता हूं मैं आपको। प्रभु बाजीराव पेशवे, इनको अगर डिवाइड कर दोगे किससे? हरी, हरी प्रसाद भोसले, साइन, कॉस, टैन, वही है ना, हाइपोटेनियस नहीं, ये सॉरी एच क्या है? हाइपोटेनियस। पी यानी परपेंडिकुलर, ओके, और बी यानी बेस, ऐसे तो याद रखोगे ना उसे। तो ये जो ट्रिक्स होते हैं, ये जो मैं बोला ना आपको, ये 7 कलर याद रखना है, तो क्या याद रखना है? विप जार। हो गया 7 कलर लर्न, उसको याद रखने की जरूरत है क्या आप? नहीं। विप जार इतना भी याद रह गया तो वी का वायलेट, आई का इंडिगो, ब्लू का, बी का ब्लू, जी का ग्रीन, वाई का येलो, ओ का ऑरेंज और आर का रेड, इसको भी वैसे याद रखना है। और अगर इसको रिवर्स करते लाओगे, इनवर्स कर दोगे,
P upon B क्या हो जाएगा? Sec. हाँ या ना? चलो छोड़ो, मुझे मैथ नहीं पढ़ाना है आपको, इतना तो याद रखो उसको। ये इसको ऐसे भी याद रखे तो ध्यान में, तो याद रखने के लिए आपको हेल्प हो जाएगा। जब वक्त आएगा ना 11th में फिजिक्स पढ़ते वक्त ट्रिग्नोमेट्री है, मैं आपको बता दूंगा। तब तक जो है 9th का वो भी कैरी करे तो बहुत हो गया। ओके, तो अब हमें पढ़ना क्या है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। कितने कलर होते हैं लाइट के? 7 कलर। ओके, अब डिस्पर्शन बोले तो क्या, इसका डेफिनेशन एकदम सिंपल लिख लो। मैं बोलता हूँ, जो बुक में है वो भी अच्छी है, जो मैं बोलने वाला हूँ उससे डबल अच्छे है, जो अच्छे लगे वो याद रखो। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है उसका स्पेलिंग? यस, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। The separation of white light. 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 Into its 7 constituent. 7 constituent color. Color is called, yes, dispersion of light. Practical lab में अगर आपको dispersion of light करना होगा तो आपको एक prism चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? Prism. Prism पता है क्या है? तो देखे हो कभी prism? नाम सुने हो prism क्या है? तो नहीं सुने? एक इस शेप का कांच का ऑब्जेक्ट होता है, इस शेप का ऐसा। इसका ज्योमेट्री देख पा रहे हो? 3 ट्रायंगुलर एंड 2 रेक्टेंगुलर शेप। ये एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल, ये फेस ट्रायंगल का, वो एक फेस ट्रायंगल का, और खुद एक ट्रायंगल, बराबर। तो 3 ट्रायंगुलर एंड 2 रेक्टेंगुलर प्लेन, वो होता है प्रिज्म। सुने भी नहीं हो कभी प्रिज्म का? सुने हो ना? ओके, अब ये एक प्रिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर है। होगा क्या, यहाँ पे कहीं तो भी क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ से हमने एक वाइट लाइट इंसिडेंट किया है। क्या इंसिडेंट किया है? वाइट लाइट। ओके, अब ये है नॉर्मल लाइन। क्या है? नॉर्मल लाइन। हमें पता है जब रे ऑफ लाइट ट्रैवल करता है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ये प्रिज्म किस चीज से बना होता है? ग्लास। किससे? ग्लास, कांच का गोला। प्रिज्म को क्या मान लो? कांच का गोला। लेकिन उसका ज्योमेट्री ऐसे होता है कि 3 ट्रायंगुलर शेप, तो 3 ट्रायंगल दिखाई देते हैं और 2 रेक्टेंगल। ओके, इनको मिला के बनता है प्रिज्म, बराबर। वो उसका ज्योमेट्री है। अब जैसे यहां पे व्हाइट लाइट क्या है, ये व्हाइट लाइट या फिर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। ओके, उसका कलर कौन सा है? व्हाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। अब मुझे बोलो आप, जैसे ही रेयर टू डेंसर होगा तो जो उसका पाथ है वो कैसे रहेगा डेंसर में जाने के बाद? बेंड्स टुवर्ड्स या अवे? किधर? टुवर्ड द नॉर्मल, ऐसे बोलना जा रहे हो? किस किस को लगता है कि टुवर्ड्स द नॉर्मल है? हाथ ऊपर करो। बेंड होगा, नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, ऐसा किस किस को लगता है? रेयर टू डेंस। ओके, वेरी गुड, सबको अच्छे से लगता है, करेक्ट लगता है। ये क्या होगा? रेयर टू डेंसर बेंड होगा।
लेकिन इसका ज्योमेट्री ही ऐसा बना है कि ये यहां से डिस्पर्स होगा. डेफिनेशन में क्या है, व्हाइट लाइट सेपरेट इनटू इट्स सेवन कॉन्स्टिट्यूएंट कलर. अब वो इसके जो सेवन कलर है ना, उन सेवन कलर में कॉन्स्टिट्यूटली वो सेपरेट होगा. तो मान लो ये हो गया, डिवीट हुआ है नहीं ना, ओके डेविएशन भी दिखना चाहिए ना हमें. तो अब दिख रहा है डेविएशन नहीं, ये क्या हो गया, ये थोड़ा स्ट्रेट हो गया ना, इस वजह से इसको थोड़ा येलो अब हो जाएगा. ओके अब हो गया डेविएट, समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा हो गया क्या, ये हो गया उसका एक्चुअल पाथ. ओके तो जो पहला रहेगा वो रहेगा रेड. अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लेके चलो, किधर गया, गायब. ओके बोलो दूसरा कौन सा रहेगा इसमें से, देन देन यस, ये ऐसे सेवन कलर में ये व्हाइट लाइट सेपरेट हो जाएगा. एक ही लाइट हमने इंसिडेंट किया था प्रिज्म में से, एक व्हाइट लाइट, और जब बाहर निकली उससे वो रिफ्रैक्ट होके तो सात कलर में ये एक बैंड बन जाएगा. क्या बन जाएगा, ये बैंड सेवन कलर का. रेनबो तो यही है ना, रेनबो देखे हो कभी, रेनबो कहाँ पे होता है, आकाश में, आकाश में कब दिखता है, बारिश आने से पहले या बारिश आने के बाद, बारिश आने के बाद होता है. ओके वेरी गुड, इतना तो भी याद चाहिए. और क्या क्या रिक्वायर्ड कंडीशन है रेनबो देखने के लिए, यस सनलाइट और बारिश मिक्स वे, मुझे सनलाइट रेज होते हैं एक साथ आने के बाद, बारिश होने के बाद जो कलर प्रिज्म, जैसे प्रिज्म की जो कंडीशन है जो व्हाइट लाइट है, दूसरा सन व्हाइट की कंडीशन. मराठी जरी बोलली ना तरी कळेल मला बऱ्यापैकी, म्हणजे महाराष्ट्रात राहतोय ना आम्ही तीन चार पिढ्यांपासून. व्हाइट ची कंडीशन है ना, तपास सन घेतलं, प्रिज्म ची तर स्काय घेतलं, त्याच्यानंतर ती प्रोसेस होते. ओके व्हेरी गुड, ओके बऱ्यापैकी बोलली तू. बरं मला काय म्हणायचं होतं की हे आपल्याला हे बघण्यासाठी काय, प्रिझम बघण्यासाठी ज्या रिक्वायर कंडिशन्स, सॉरी रेनबो बघण्यासाठी ज्या रिक्वायर्ड कंडिशन्स आहेत त्या काय काय असायला पाहिजे. तो उस वक्त होना क्या क्या चाहिए, जो चीजें है वो कैसी होनी चाहिए. जब भी आप रेनबो देखोगे, रेनबो